अरे तनी सबर करा, इतना का बेचैन बड़ू हो। अरे एकदम तड़पा था भीतर माल बाहर निकले खातिर। अबे जल्दी भर, ऐसा कुकर सीटी देता। जल्दी भर, अबे जल्दी भर, लोटा धो लोटा धो, मैं तो दिलाई धली, लोटा धो। उस्ताद, हाँ एंटीबायोटिक सोच बा। अरे तो फिर एक मिनट। बॉस, पीछे की स्थिति खराब हो गई का? नहीं बे, अब इन तो खाली हवा छूटला हवा। अबे ऐ कातिल हसीना के उस्ताद, ई उहे हिरोनिया हिया काजल रागवानी जकरे प्यार में रजवा पगलाइल रहेला। तब ते कर बलात्कार हम करम। ओके बॉस, आओ तनी गलवा से गलवा सटा ली। उस्ताद चुम्मा ले ली। अब तू कहता रहे तो चुम्मो ले। गलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया। यहाँ काम ना चली, इनके घर लेके चले क्यों पड़ी। यस बॉस। बॉस तर फाड़े के गलती मत करी हा, न त राजा भैया तहार उठा फाड़ दी हा। फाड़ा के ठेका तो खाली हम ही ले ले बानी। घुंघरू पंडित और हल बात रजवा के तो बुला। बहुत पुराना हिसाब किताब बा, आज पूरा प्लस और माइनस हो ही है। हाँ तो दस मिनट रुक जा, फिर देखा। जैसे दस के सुई ग्यारह पे रुकी वैसे पोस्टर ठंडी। हाँ तो फिर अब टाइम देखा स्टार्ट करता। एक दो तीन राजा। का भेल रेडियो, आज कौन सा नया समाचार प्रसारण करे वाला बड़े? सुन के तहार माथा पे भूचाल आ जाई काकी। का है? सलमान खान ब्याह कर ले लस्ता। अरे ना काकी, तहार बेटा जो ना हीरोइनी संग ब्याह के सपना देखा तारे ना, वो कर बेइज्जती होके वाला बा। राजा! बॉस, बॉस, 11वां मिनट में गृह प्रवेश हो गई। रजवा अभी ले वेलकम ना कैलस। तो फिर पोस्टर फाड़ो प्रक्रिया संपन्न की जाए। ओके बॉस। सॉरी डर। ई मोहब्बत पूरा फिल्मी बा, एकदम हीरो की तरह एंट्री मर ले बा। हीरो के एंट्री में नो एंट्री लगाई बा। ए नो एंट्री के चौकीदार, अगर आज के बाद से हमारे जान के पोस्टर के हाथ भी लगाओ लेना तो पानी छुए खाती हाथ दूसरे के इस्तेमाल करे के पड़ी। उस्ताद देखत का बड़ा, एक्शन शुरू करा। हाँ बॉस। अरे कहाँ बाड़ा सन रे, जल्दी आओ, ये रजवा उस्ताद के गोदन कूट दी। Thank you.
मारी रे। ए हटा। चाइनी। अरे का हो तू लोग मुखिया के दुखिया बना देले बड़ा है और इका गुंडे ही होता है इका गुंडे होता है। मुखिया जी ये हमारा जान के पोस्टर फाड़ी ते करे के चूमा फाड़ दे। अरे अभागा ते हीरोइन से प्यार करबे। अरे मुझौसा हमार बेटा हीरोइन से प्यार करे चाहे हाथी से तोर काहे करे जा फटता रे। देखा देखा मिस्टर घुंगरू मुजरिम और गवाही के बात से सब कुछ साफ साफ हो गई बा के आपको लतियाया गया सही है। अरे पोस्टर हो या साक्षात लड़की उसका इज्जत होना चाहिए। केस इज डिसमिस। हाँ तेरी के क्या भाई बेटा टाइम कितना होता है। घड़ी 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 12:10 कम बा लागा था बाबू आज काजल के हर पिक्चर के 500 देखे के तहार रिकॉर्ड टूट जाए। बाबू 10 में तुम श्रीलंका पहुंच जाए। ऐसा नहीं देख अरे कहां गई लला उस्ताद। हाँ एगो बात बोली। बोल हाई तड़िया पीले से तो राउर देही के दर्द दूर हो जाए लेकिन राउर करजवा में लागल रजवा की आग ना बुझाई। अबे तो अपने दिमाग से ऐसा कोनो फायर ब्रिगेड आइडिया दासन के पूरे गांव जवार के सामने और रजवा के इज्जत का कचरा बना दिया। बूस एगो रामबाण आइडिया बा। बोल अपना जन्मदिन के शुभ अवसर पे भोजपुरी के सुपरस्टार काजल राघवानी के प्रोग्राम रखवा दी जी की रजवा अपन मेहरारू बनावे चाहता। जब उस सारे लोगन के सामने नाची तो रजवा ऊपर से लेके नीचे तक झुलस जाई और राउर हरियर हो जाई। काहे मरनी है हबा इतना फंटास्टिक आइडिया पहले काहे देले रख ठो रखिया। लेकिन काजल के बोलाई की अरे महाराज पैसा फेंकी तमाशा देखी। एगो प्रोग्राम करे वाले कंट्रेक्टर के हम जाने ली 5,00,000 रुपया दी काले सट्टा बुक हो जाई। 5,00,000 डोंट बेरी बोस 5 कट्ठा बस 5 कट्ठा बिकाई और राउर के जन्म दिन पे गर्दा गर्दा हो जाई। अरे और राजा के इज्जत का बाजा बजावे खातिर 5 कट्ठा काबे 10 कट्ठा बेच दे। कट्ठा बिकाता हम एगो हार मंगनी तो जेब में पूरी कौड़ी नहीं के हम अब फिल्मी हीरोइन के बुलावे खातिर 10 कट्ठा बिकाता। अरे औरत गलत टाइम पे एंट्री मारे ले मर्दन का जरूरी मीटिंग चलत बा। आउट हम सब पूछता नहीं कौन जरूरी मीटिंग चलत। ओहो जा भाई बेकार में। यस बॉस 5 कट्ठा बेचे खातिर ग्राहक ढूंढा सन। यस बॉस काजल। दिखत रहला है कुछ ना जहाँ मन में ओइजे देखला ये तो तोहरी प्रॉपर्टी है। देखा दूसरा के प्रॉपर्टी पे कब्जा करके हमके कौनो शौक नहीं के ट्रैक्टर के चाबी दम के खेत जोत जाए के बा। हमार प्रति कब जोत बा जइए धरती फाट जाए या भूकंप आ जाए तहिया चला चाबी दा। हम तो सुनामी के इंतजार करता नहीं हिम्मत बात तो निकाल ले। हाँ।
सुना सुना जा, कान खोल के सुना जा, श्री श्री 108 श्री श्री घुघरू महाराज जी के जन्मदिन पर भोजपुरी के सुपरस्टार काजल राघवानी और हलवानी अपन प्रोग्राम देवे। और जेकर व्यवस्था हवेली में रखल गईल बा, जेकरा के नाच गाना के आनंद लेवे के बा, वो आई पधारी। ढोला गोईठा सुलग गईल बा, अब तो आग लगी है जाई। तो भैया प्रोग्राम देखे जरूर आई, जरूर आई, जरूर आई। सुन ले भाई, अपना गांव में काजल आवे वाला बड़ी। यस, अब ये मत कहिया कि तोरा मोहब्बत के चुमुक उनका यहाँ खींच के ले आ रहा। देख रेडियो, आज तोर झकास बाड़ी केंद्र सही समाचार बतावले बा। तो सुन रेडियो, हम अपना बेटा के ऐसा सजा के भेजब, ऐसा सजा के भेजब ना, हमार होखे वाली बहुत देखते पसंद। बेटा से ढेर पागल तू महतारी भी, पता ना काजल के कौन दशा हो। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। हाय रे, हमार झकास वाणी बता रहा हूँ। झकास बाड़ी केंद्र बंद कर, मोहब्बत का मामला है बाबू। अच्छा, देखने के बाद दीदार तो हो ही जाएगा ना। जी राजा, बहुत जच रहे हैं बॉस। रजवा भी गुलदस्ता लेके छक्का मारे खातिर तैयार बा। टेंशन मत ले, ऐसा बॉल फेंकब ना कि क्लीन बोल्ड हो जाए। ओके बॉस। भाई रे का तनी ओवर होता। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना निकाल। बहारों फूल बरसा, जिया राजा जिया, बाजी मार देहला, अब तू चलत रहा। हाँ चला जाई नू हो। ए घुंघरू, ई तोरा बाप के तिजोरी ना है जे कहीं पैसा ठूस देबे। देखिए आप यहाँ से चले जाइए, कलाकारों के साथ ये सब होता रहता है। मैडम जी आप दुनिया के लिए कलाकार हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी जान है। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम जी हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बहुत हड़ा वाला मोहब्बत करते हैं, निचोड़ वाला, गाँव वाला भी सब जानता है। काजी करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं ना। हाँ हाँ करते हैं। मैडम जी गाँव वाले भी जानते हैं कि हम आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, कि हैराजवा कितना प्यार करता है आपसे। मैडम जी हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं, अपना मेहरारू बनाना चाहते हैं। आई लव यू मैडम जी। अरे
मजनू के औलाद उतर गल माथा से ऐसा कभूत उतर गल ना आज पूरा गांव जवार के सामने अरे तोरा थोबड़ा पे नो एंट्री का ठप्पा लगा के चल गई। ए घंघरू एक दिन तोरा खुशी के मातम में बदल दे जवना गाल पे थप्पड़ मार के गई बड़ी ना वही गाल के चूमे खाती ये गांव में आई है और उनका से ब्याह करके अपन मेहरारू बना के लेके आई। एक मिनट अगर ना आई तब अगर आ गई तब बोस हाथ में कटोरा लेके एक महीना ले भीख मंगिया और सॉरी और भीख में मिलल भिक्षा से अपन खर्चा पानी चलिए चला ठीक है अगर तोहनी बोल दे बाड़ा तो चला। ए रजवा याद रख आज तोरे इज्जत का सट्टा लग गई बा अगर काजल गांव में ना आई तो पूरा गांव जवार के सामने भरल पंचायत में तोरा हाथ में कटोरा थमाई। मंजूर बा तो कब आई है काजल? जब हम मुंबई जाए तब। तो कब जाइबे मुंबई? जब जाए तो तोरा पता चल जाए। चल रे रुक कहे गए ले बेटा। माई तुझा पूजा करके आवो अब ते मंदिर में पाँव हम तबे रखा जब हमारा साथे काजल रही है। ठीक बा तो ठीक बा अब तो हमू तबे जाए जब भौजी आई है तब ते यही जीरा हाँ खड़ा हो जो राजा सुन लिया तू काजल खातिर मुंबई जाता रहा आजे जाता निशा आज ले भगवान से हम कुछ नहीं की मंगनी पर मोहब्बत मजबूर कर दे ले बा तोहरे खातिर काजल के जरूर मांगब। कहल जाला कि मोहब्बत मगरूर के गुरूर तोड़ देला जब दीवानापन हाथ से गुजरेला तो दिल से दिल के रिश्ता जोड़ देला। अबे बहिन नहीं धीरे बोल गईल भैंसिया पानी में मतलब अभिने अभिने पता चलल है रजवा काजल खातिर मुंबई चल गईल। वेरी गुड फैंटास्टिक मजा आ गया बाप मरना अन्हारे में और बेटा का नाम पावर हाउस अरे यहाँ तक कजली खाली होके थप्पड़ मर ले रहे शहर से तब जुत्ती मार के भेजी। उस्ताद कहीं लसी आ गई तो का हुई हुई का बोस के हाथ में हुई कटोरा और गली गली बंगिये भी दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीता काजी सपना निमर रहन नू भगवान करे राउर सपना सच हो जाए। हमार सपना कभी सच ना होला अरे भिखारी योग ता वही रजवा के किस्मत में लिखल बा हमरे किस्मत में ता राजयोग लिखल बा। यार बंधु बुझा ताकि चलत चलत अकड़ी पतड़ी झुरा जाए इतना बड़ शहर में काजल मैडम का कैसे खोजल जाए। अब का भाई ये गाड़ी में मैडम जी बारी काजल मैडम जी बारी क्या बात कहो ना मैडम जी मैडम जी हाँ मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी राजा राजा जी मोहब्बत में ठोकर खा के संभल जाला वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाला। हमार झकास वाणी बतावा था कि तुहार मोहब्बत के मंजिल आसे पास बा चला। अरे भाग्यवान जल्दी चाय लाओ मगज ब्लॉक थई गयो। अरे रे 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 अरे चाय पियो मारा खून नथी नौकरानी बना के रख दिया। अरे काली कपाली माता सब कुछ तुम्हारा ही तो है बाबा। किम
अगर सब कुछ मेरा ही है तो फिर वो डायमंड का नेकलेस क्यों नहीं लेके देते? डोंट वरी पगली, आज तुम्हारी डिमांड पूरी कर दूंगा। सुनो, काजल बेटी आती होगी, ध्यान रखना हमारे पास शक ना हो। ओके ओके चलो। अरे बाय बिटिया आ गई। अरे बिटिया, आज जल्दी शूटिंग खत्म हो गई? जी अंकल, वो एक्चुअली क्या हुआ, हीरो को सीन के दौरान मेरी सैंडल लग गई उसके मुंह पे, तो पैकअप हो गया। हीरो को सैंडल मारने वाला सीन था अंकल। आंटी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गई है। वेरी वेरी सैड सीन बेटा। नो अंकल, इट्स नॉट सैड, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। वो क्या है ना, एक्टिंग के नाम पे हीरो एकदम नल्ला है। पता चला है कि गांव में अपनी जमीन बेचकर यहाँ पे खुद को हीरो एस्टैब्लिश करने के लिए मूवी बना रहा है। सीरियसली, बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इन बेवकूफों की वजह से आज तुम इतनी ज्यादा बिजी हो बेटा, इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस से याद आया, 2-3 चेक साइन कर दो, सर्वेंटों को पगार देना है। हाँ, वो महीने का अंत हो गया ना, तो सब काई काई करते हैं। साइन कर दो बेटा। शूटिंग होगी तो टाइम नहीं मिलेगा ना। अरे एक तो और हो जाएगा। राजा भाई, तोरा मोहब्बत के कुंडली में 7.5 ढुक गई बा भाई, पता ना और किसन किसन दिन देखे। चल चल केनिए केनिए सूत रह, बाद में अपना मुंह पर चप्पल से मरी है। ऐसन बा भाई, ये तो हर ससुर का घर ना। समझे, जल्द से निकला यहाँ से, नहीं तो जिंदगी भर जेल में बैठ के काजल डार्लिंग के लव लेटर लिखा रहेगी बा। चुप चाप सुन बे। ठीक बा ठीक बा, यार के इसके खातिर तनी तनी हमरो के रिस्क उठावे के पड़ी। चला वॉचमैन, जरा इन लोगों का बैग चेक करो, क्या क्या चुरा के रखा है। जल्दी लाओ। मैडम, काजल मैम साहब का फोटो है। काजल बेटी की फोटो? आप काजल जी का मम्मी है, आप पापा है, ये काजल जी का घर है ना? नहीं, तुम्हारे बाप का घर है। प्रणाम मामी जी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम मामी जी। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? अरे आप इनको नहीं जानते, इनको? चल छबीला रंग रंगीला दीवाना मस्ताना, अरे ये है ये है ये है राजा भैया, काजल जी का बहुत बड़का फैन है। तो कहा है ना मम्मी जी, जब से काजल जी हमारे गांव में प्रोग्राम देने गई थी, तभी से कुछ ज्यादा पगला गया है, अपना गांव छोड़कर काजल जी का सेवा करने के लिए यहां मुंबई आ गया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग अंदर घुसे कैसे? कपास था भिकारियों का साथ था, रात का बात था भिकारियों का साथ था, हम भाग रहे थे वो दौड़ा रहे थे, फराटा मर के सो रहा था, फराटा मर के ठूका। ये कुंभकर्ण का आला तो आपका घर वाला लुटवा देगा, निकालिए इसे और हमें रख लीजिए, हम आपका सेवा करूंगा, वो भी एकदम फोकट। अब हम भी करूंगा फोकट में सेवा। अरे ललिता, महंगाई के जमाने में फ्री के नौकर मिल रहे हैं। सामान लेके चंपत हो गए तो सू करवा लूं? अरे नहीं नहीं, ये तो सोचो, जो आदमी इतनी दूर से बिटिया की सेवा के लिए यहाँ तक आ सकता है, सोचो वो कितना बड़ा दीवाना होगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि दीवाने कभी धोखा नहीं देते। बाकी बात
આજકાલ સારું છે એ વોચમેન આજ સે તારી છુટ્ટી થઈ ગઈ ગેટ આઉટ ઇસકા મતલબ હમારા ગ્રીફ પરવેશ હો ગયા હો ગયા સામાન ઉઠાઓ ઓર ઉધર કમરા હે જાઓ મે બાદ મે આકે કામ બતાતી હું અમાર બાદાન કે લિયે હૈ ના સાહેબ કઈ સબે જાઓ બહોત બહોત થેન્ક યુ મમ્મી જી પપ્પા જી બહોત બહોત થેન્ક યુ મમ્મી જી પપ્પા જી બહોત બહોત થેન્ક યુ મમ્મી अब तो इसके पगार का पैसा भी हम रख लेंगे। देख ली रेडियो, मान संगत तो कठौती में गंगा। मान गई नहीं यार, तोरा मोहब्बत में दम बा। भगवान सीधा काजल के घरे में पहुंचा दे। अब का दिल में घुसे के रास्ता बनावे के बा। वाह, जिया गुरु। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब ये बताओ, तुम दोनों में से चाय कौन अच्छा बनाता है? मम्मी जी हम सुपर फास्ट चाय बना लेते हैं। वेरी गुड, सुपर फास्ट चाय बनाओ और सुपर फास्ट मैडम को दे के आओ। ओके, मिल गई रास्ता, अब पहुंच जो दिल में। अंदर ढूंकी मैडम जी, ढूंकी। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। जस्ट शट अप, तुम मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में घुस के मेरे ही कप में कॉफी पी रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? गलती से मिस्टेक हो गया। किस पागल ने तुम्हें अंदर आने दिया? वो पापा जी पागल है का? दरअसल बात ऐसा है ना कि आज से हम आपका सेवक है। आप खिसे आइए जान, हम अभी अभी गुड मॉर्निंग वाला चाय बना के ला रहे हैं, सॉरी कॉफी। चाचा जी। हां चाचा जी, चाची। हां चाचा जी। શું થઈ બેટા? તમે આને ઓળખો છો? યે તો મારા જબરદસ્ત ફેન હે, ઇન્હે આજ હી નોકરી પર રખા હું। નો વે અંકલ, આપ ઇસે અભી ઇસી વક્ત યહાં સે બહાર નિકાલિયે। યે ઇસકા દિમાગ કા ક્રેક હે, ઇસને મુજે આઈ લવ યુ બોલા, ઓર આઈ લવ યુ તો છોડો, યે મુસે શાદી કરના ચાહતા હે। ઓર દેખિયે મેડમ જી, આપને હમકો એક ઝાપડ મારા થા, ઉહો બોલ દીજે પાપા જી સે। દેખા સુન લીજિયે, एक थप्पड़ खाने के बाद भी यहाँ पे पहुँच गया, अब तो आप समझ ही सकते कि कितना बड़ा पागल है। अभी आप इसको यहाँ से निकालिए। देखिए मैडम जी, अगर आपका मन कर रहा है तो हमको एक झापड़ा और मार लीजिए, लेकिन हमको यहाँ से भगाइए मत, हम आपको बिना देखे मर जाऊंगा। मैं ही कुछ करती हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन जी। नमस्ते मैडम। अब ये बंदर कौन है? बंदर नहीं मैडम जी, मैं आपका नया वॉचमैन और राजा का लंगोटिया यार, रेडियो। जैसे राजा आपके बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही मैं राजा के बिना नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके इसे यहाँ से मत भगाइए मैडम जी। अरे ये बेचारा तो आपका सेवा करने के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ चला आया है, इसके जज्बात को बुझने का तनिको तो कोशिश करिए मैडम जी। चुप रहो, मैडम को सफा बुढ़वा का समझ रखा है। देखिए मैडम जी, हमारे दीवानापन को गलत मत समझिए, न हम आपके बारे में बुरा देखते हैं और न ही किसी को देखने देंगे। हम तो आपका खाली सेवा करना चाहते हैं, हमारा विश्वास करिए। इतनी मारी बात समझ, दोनों फोकट के नौकर हैं, दोनों पालतू कुत्ते की तरह हमारी दिन रात सेवा करेंगे। व्हाटएवर, मूव जी। आई सेड मूव जी। हटो। अरे अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से पोछा लगाना किसको आता है? इसको आता है ना, छठी मई के घाट पर गोबर से बहुत अच्छा लिपता है गांव में। अच्छा, अरे समैया कितना दुर्गति कराई, ये अल्लाह भगवान
फल खाई के और कर्म करता के लेके कुछ को खानदानी पोछा मारे लागत है अच्छा गंदा बाकी लिया पोछा लगा दी अने गंदा है देखो हां गंद मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगर मैं आपको नहीं पकड़ता तो आप गिर जाती आपको चोट लग जाता और दर्द मुझे होता जाओ जाके मेरे सैंडल लेके आओ हाँ जी सर जी मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊंगी डोंट वरी हाँ बिल्कुल ओके बाय जल्दी लाओ पहनाओ अगर सैंडल पहनाने में तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो तुम अपने गांव वापस जा सकते हो गांव में बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम यही जी बेइज्जत हो जाएं मतलब हम बताई थे मैडम जी असल में जब आप गांव में आए तो सबके सामने जब आपने इनको थप्पड़ मारा जवार के सामने अरे तोरा थोबड़ा पे नो एंट्री का ठप्पा लगा के चल गई याद रख आज तोरे इज्जत के सट्टा लग गई अगर काजल गांव में ना आए तो ये पूरा गांव जवार के सामने हरल पंचायत में तोरा हाथ में कटोरा था भाई मंजूर बाबू ओ आई सी इसका मतलब तुम भरे समाज में भिखारी बनने से बचने के लिए मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो और मुझे अपने गांव ले जाना चाहते हो राइट मैडम जी भिखारी तो मैं कल भी था और आज भी हूँ लेकिन मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप है वेल लेट मी क्लियर वन थिंग अगर तुम मेरी दौलत हासिल करने के लालच में यहाँ आए हो तो एक बात समझ लो ये जो बंगला है ना वो मेरे चाचा जी का है और उन्होंने मुझे पाला है और अब मैं उन्हें पाल रही हूँ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला मैडम जी मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए अच्छा एक बात बताओ अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ तो तुम क्या लेना पसंद करोगे जन्म जन्म के लिए आपका साथ तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों होते हो झूठी शान के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो देखो अपने दिमाग से ना ये सब निकाल दो और ये भी निकाल दो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन के आऊंगी और तुम्हारे गांव जाऊंगी ओके अगर दिमाग में रह तो तब नू निकाल देती लेकिन तू तो दिल में बस गई बड़ू हेलो बेटा गोड़ लगता नहीं भाई खुश रहा बेटा और दोबारा कहाँ आई बानी लौका खरीदे लौका अच्छा ये बतावा काजल से भेंट भेल हा कि ना तोरा अरे ना ना भाई ऐसा कोनो बात नहीं के हम तो काजल के कोठी बवानी अच्छा अच्छा तो ये बतावा कि काजल से बातचीत होला तोरा कि ना ना माई वो बहुत प्यार से बोले ली वो कहा ना माई की रेडियो बोल दे ले बना क्यूँ कैसे ब्याह का क्या हम गाँव लेके जाए वाला बानी अरे बेटा तब तो खूबे खिसिया गए अरे ना ना माई वो तो बहुत प्यार से बोले ली और जहाँ प्रेम होला वहाँ खीस पीत ज्यादा दिन तक लेना टिकेला ठीक बा बेटा हमारा आशीर्वाद तुम्हारा साथे बा हमेशा हमरा बहू के जल्दी लेके आवा हाँ अपन ख्याल रखिए हाँ बेटा भाई रे हमार एगो कहना मान ला का अपन दिल मजबूत कर ला अरे आखिर कब ले बेइज्जती बर्दाश्त करबा यार जब तक ले नफरत के खंजर हमारा दिल के चीर के न निकले क्या बकबका रहे हो काका कुछ कुछ ना सोते के कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं लग रहा है तुम ना मानसिक रूप से थोड़े बीमार लग रहे हैं तुम्हारा इलाज जरूरी है 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में आओ रूम में कौन इलाज हो रहे भाई भागे के लहान लगा के चाहिए कहीं पटक के लाते मुँह के काढ़े जान जस फील फील ना चीर चीर आ रहा हूँ हाँ आइए गुड मॉर्निंग मैडम जी अभी गुड मॉर्निंग नहीं चल रहा हमको क्या पता चलेगा बहुत लाइट जलता है तो समझ में नहीं आता है अच्छा ठीक है तुम्हें मसाज करना आता है जी हाँ जी आता है ना माई के कपार में जब ही दर्द होता था ना हम ऐसा मसाज करता था कि दर्द छू मंतर हो जाता था मैं हेड मसाज नहीं बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ आप मेरा अग्नि परीक्षा ले रही हैं का मैडम जी तो मसाज
आज करोगे या नहीं? सॉरी मैडम जी, हम परान किया है ना, हम अपना मेहरारू के छोड़ के पराया मेहरारू के बोटी नहीं छुएंगे। हाँ। जब तक शादी नहीं होता तब तक आप भी हमारे लिए पराया नारी हुई ना। सीरियसली तुम बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो पागल। अच्छा ठीक है, चलो हेड मसाज ही कर दो जी। की रहवा तेल चलेगा? ये क्या होता है? उंगड़ी में ढील होता है, सब निकल जाता है। हाँ, ओके। वहाँ ऑयल रखा है, मसाज कर दो। ये पूछ पूछ आ रहा है इधर से। अच्छा एक बात बताओ जी, तुम्हें कार चलाने आती है? जी गांव में टायर बैल चलाए हैं और ट्रैक्टर भी चलाए हैं। मैं ट्रैक्टर की नहीं कार की बात कर रही हूँ। जी आप कह रही है तो चलाइए लेंगे। ठीक है, तो कल से तुम्हें मेरी कार भी चलानी है और मेरे बॉय का भी काम करना है। ठीक है, बॉय का होता है जो चाय पानी पिलाता है, दोनों के साथ। चलो अब तुम जाओ, सुबह जल्दी उठना है, 9 बजे की शिफ्ट है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। लाइट भूक भूक आता है, समझ में नहीं आता है कि दिन है कि रात। अरे मोहिनी डोंट वरी, मैं बिल्कुल टाइम पे तुम्हारी पार्टी में पहुंच जाऊंगी। ओके, नाउ यू एंजॉय एंड हम रात को मिलते हैं। ओके चलो बाय। अरे पगलू आगे देख, बच्चे की जान लेगा क्या? अरे मैडम जी, रुरा मरे से डर लगता है ना। अरे अक्कल के दुश्मन, मौत से सबको डर लगता है। हमको नहीं लगता है, और हमारा तरह आपको भी जहिया मोहब्बत हो जाएगा ना, हमारे तरह आपको भी डर नहीं लगेगा। आर्टिस्ट को तो बुलाओ। सर आ गई काजल जी। अरे आइए आइए काजल जी। तुम यहाँ शूटिंग देखने आए जी, हो? जी नहीं नहीं, आपका सेवा करने। तो जाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ। जी पहला था वैकेंसी हुआ है, नया नया आया हूँ, मैडम का कुर्सी ले जा रहा हूँ। क्या मालूम कहाँ से स्पॉट? अरे वो दुष्यंत कहाँ है? सर वो बाथरूम में, उसका पेट गड़बड़ा गया है। दुष्यंत का? जी। अरे यार उससे बोलो बाथरूम में एक्टिंग करा, कोई दूसरा आर्टिस्ट देखो फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है यार। सर वो देखिए, वो चलेगा क्या वो? अरे यार तुम स्क्रिप्ट पढ़े हो? अपने स्क्रिप्ट में यंग विलेन है यार, वो बुढ़ा आदमी चलेगा? यंग विलेन जिसका दीवानापन पागलपन के हद से गुजर जाता है, कोई दूसरा देखो जो विलेन जैसा हो। सर जी क्यों ना आप मेरे बॉय को ट्राई कर लेते हैं? ये जैसा आपको चाहिए वैसे सारे गुण मेरे बॉय के अंदर है। नाइस, गुड गुड सजेशन। अच्छा जी मेकअप कराओ इनको। मैडम जी हम फिल्म वाली में काम नहीं कर सकते हैं, हमको शौक नहीं है। तो मेरी बात नहीं मानोगे? कह रही है तो मान लेंगे। हाँ मेकअप करवाओ और कॉस्ट्यूम परफेक्ट। आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये कपड़ा हम जगदेव जी के बराती के लिए खाते हैं। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, चलेगा, ये अच्छा लग रहा है। अब फट जाएगा तो नहीं फटेगा सर। आइए ना, आइए सर, आइए आइए। चलो लेते हैं, रेडी स्टार्ट साउंड, कैमरा एक्शन। यहाँ लोग के सेव खाए के नहीं मिलत और तू चला के मारता ना? सेव के छोड़ा तारू स्वाई, हमार दिमाग इतना खौचिया दे ले बा कि मन तो करे था कि बम चला के मार दी, लेकिन तू तो खुदे को बम मारू। गुड, आइंदा हमसे बदतमीजी कई लेना तो जब ई बम भड़क जाए तो दुनिया के कोनो पागल खाना में तोरा की जगह ना मिली। हम की कहीं और ना, तोरा दिल में जगह चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सवाल जो भी हो लेकिन जवाब तुम ही हो, दुख जो भी हो लेकिन सुख तुम ही हो। सर ये डायलॉग तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। रास्ते कोई भी हो लेकिन मंजिल तुम ही हो, गुस्सा कितना भी हो लेकिन प्यार तुम ही हो। कट। बट राजा तुम्हारा डायलॉग विलन के पटरी पे चलते चलते हीरो के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। जी? जो भी हो अपने मन की बात नहीं स्क्रिप्ट की डायलॉग बोलो। अच्छा यस सर, याद कराओ इनको। बात ऐसा हम पहला ठेक कर रहे हैं ना तो हमको थोड़ा गड़बड़ा रहा है।
चलो लेते हैं। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। ओए मिस्टर, खुद के देवदास और हम के पारो मत समझो। हम काजल है काजल, जब आँख में लग जानी तो देखे वाला पगला जाला, और जब कहीं और लग जानी तो दाग पड़ जाला। बहुत सुना भाईलू, अब अपना प्यार के दाग तोरा खूबसूरत ओठ पर चुम्मा लेके लगाई। हमरे लात के चुम्मा कैसा लागल दुष्यंत सिंह? जे हमरा के डिस्टर्ब करेला ओकर जीवन हम डिस्टर्ब कर दिले। कट कट कट, अरे कोई हीरो को उठाओ यार। काजी सही है, मार दिया सर हमको, वो भी सही है मैं मारा था। आप विलेन हो, वो हीरो है, विलेन को थोड़ा मार बर्दाश्त करना पड़ता है। हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर ले? हम गांव जाएंगे तो लोग क्या कहेगा हमको कि मुंबई से मार खा के आ गया? अरे काजल जी जरा आप ही समझाइए। हाँ जी सर। राजा तुमको सिर्फ मार खाना है, मारना नहीं है, ओके? अच्छा मैडम जी, जब आप बोल रहे तो हम वो खा लेंगे। आ भाई सर रेडी, मारो जितना मारना है। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। सर देवजी राजा को सही में पंच मार रहे हैं। मार ले तो ना यार, सही एक्शन से रिएक्शन का इंपैक्ट मिल रहा है। सर इस साल ना बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आप ही को मिलेगा। अबे तारीफ कर रहा है कि जूता मार रहा है? सर हम तो आपको खाली चप्पलें पहना रहे हैं। अगर जिंदा बच गए तो याद रखिए काजल हमारी जान है। वाह क्या बात है, कैसे कर लेते हो? बहुत अच्छा। शिफ्टिंग दूसरे फाइट के लिए लागल ना। ओके सर, दूसरी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। स्पॉट चेयर लेके आओ। वेट, पानी दो। लीजिए सर पानी। शाबाश यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर काजल बेबी को कुछ हो जाता तो हमारे तो फिल्म की वाट लग जाती। काम तो तुम विलेन का कर रहे हो लेकिन रियल लाइफ का हीरो निकले, शाबाश, गुड। चलो चलो अपना अपना सब काम करो। बहुत अच्छे, संभाल के चलो। खुश है ना मैडम जी? थैंक यू। जी मम्मी जी। क्या करता है? सूत रहे थे। सूतने आया यहाँ? ना जाओ जाओ, जाके किचन में बर्तन पड़ा जाके माजो। है? सुनाई नहीं दिया? किचन में बर्तन पड़ा जाके माजो। देखा तो नहीं तो बुढ़वा बुढ़िया काम करा करा के हमरा के जवानी में विधवा बना दिए सन। क्या बोला? जब ये मशीनवा है ये है तो फिर हमको अपना हाथ घिसने का क्या जरूरत? जब ये कपड़ा इतना साफ धोता है
तो ये बर्तन हुआ तो एकदम सफेदी का चमकार बना देगा। यही ठीक है। चालू किए ना मम्मी जी, मशीन चालू किए, कपड़ा तो तुम सवेरे ही धो लिया था। अभी हम कपड़ा थोड़ी धो रहे हैं मम्मी जी। तो फिर क्या धो रहे हो? अभी हम बर्तन धो रहे हैं मम्मी जी। बर्तन वॉशिंग मशीन में? हाँ, देखो कितना अच्छा आवाज आ रहा है। अरे रे रे मोहिनी, काजू, माय डार्लिंग, ओ बेबी, विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। थैंक यू बेबी। कैसे हो तुम? बस गुड। आप तैयत बर्दाश्त नहीं करत भगवान, मरद के उल्लू बना के पीछे पीछे घुमाओ तारी और लड़की से लव फरमाओ तारी। हार किस्मत फूट गई भाई, बहुत जीता लेस्बियन भी आ। मतलब? मतलब ये कि एकरा के आदमी में ना औरत में इंटरेस्ट बा। राजा, राजा, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। Hi handsome, I am Mohini. Pranam. Kazu darling, ये कोई भोजपुरी फिल्म का नया हीरो है क्या? No यार, ये मेरा बॉय है राजा बिहारी। Oh, एक बिहारी सौ पर भारी, you know, बिहारी बाबू। लगता कि आप भोजपुरी फिल्म बहुत देखती है ना? Darling, मुझे भोजपुरी हीरो पसंद नहीं है, मुझे तो रियल हीरो पसंद है। काजू डार्लिंग, मुझे ना तुम्हारे हैंडसम बॉय के हाथों से एक पटियाला पैक पीना है। Of course, why not? राजा, जाओ हमारे लिए दो पैक बना के लाओ। जी? दो पैक बना के लाओ। हाथ हो गई बा, बाप दादा कब दारू का मुंह ना देखलास, और हम यहाँ पैक पर पैक बनावता नहीं, वह गो लड़की खाती। डोंट वेरी यार, औरतों की गुलामी करना आजकल की मर्दों की निशानी है। इतना हैंडसम बॉय तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बिल्कुल हीरो टाइप का लग रहा है। कम ऑन यार, इट्स जस्ट अ बॉय। ओह, थैंक यू। Cheers, cheers. Ajal ji, just a minute. Yeah, coming. मैं आती हूँ. Okay. काजू डार्लिंग तुम्हें कितना पगार देती है बिहारी बाबू? हम पैसे के लिए काम नहीं करते, अपनी खुशी के लिए मैडम के पास है। अच्छा, मैं तुम्हें उससे ज्यादा खुशी दूंगी, तन से भी और धन से भी, मेरे बॉय बन जाओ। देखिए मैडम जी, अगर मैं ईमान बेचता ना तो शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। गुड थॉट, तो बॉयफ्रेंड बन जाओ। तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना हस्बैंड भी बना सकती हूँ। बिस्तर पे किए हुए फैसले से रिश्ते नहीं जुड़ते, उसे जोड़ने के लिए दो दिलों के बीच मोहब्बत होना बहुत जरूरी होता है, और हम अपना दिल तो काजल जी के नाम कब के कर चुके हैं। हे मोहिनी, हाय, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स कट द केक। या श्योर, कम ऑन, कम। चलो, हे गाइस, चलो केक कट करते हैं।
के दौरान उसके मुंह पे मेरी सैंडल लग गई। अच्छा? Oh my God! लो, क्या है गिफ्ट पैक लेके आ रहे हो? जा पूरे बॉटल लेके आओ। सच में यार बहुत मजा आया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, है ना? हाँ ठीक है। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मैडम जी, मैडम जी, राजा, मैडम जी, राजा, वो लड़क चुकी है। चलो ना, हम भी कहीं जाके लुढ़क लेते हैं। चलो ना, चलो, चलो ना। मैडम जी, मेरे तन मन पे सिर्फ काजल जी का अधिकार है, और शरीर क्या, मैं इनके लिए अपना गर्दन तक कटवा दूंगा, लेकिन किसी और को नहीं अपनाऊंगा। मैडम जी, मैडम जी, और दारू पीना है। मैडम जी, और दारू चाहिए। कहाँ रे बाबू? शादी से पहले पेनल्टी मार दे हला का। अपन चोंगा बांध कर दारू पी ले ले बड़ी। हाँ भाई रे, हाँ की बेवड़ी में हरारू के भूल जो। हाँ हमरा आज बुझा गई भाई। हाँ तहरा से का ये बिहार के कौना मरद से बिहाना करिहन? काहे? अरे यार बिहार में दारू बंद हो गई बा। हाँ अगर कहीं रात बिरात जरूरत पड़ गई। हाँ तब का होई? अगर एक को सीसी कहूँ घर में पकड़ा गया। हाँ। तो पूरा घर सील। हाँ? हाँ देख बेटा, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा? ओवरलोड बहुत ज्यादा है। हाँ देखा था नहीं। ई बताओ मम्मी पापा कहाँ? मम्मी पापा? हाँ बुढ़ोती में जवानी के मौसम आयल बा। हाँ सिनेमा हॉल में कुर्सी तोड़े गई बा। भगवान कहां बैठल बड़ा? देखा देखा मोहब्बत में महबूब महतारी पर गई। अब तो हमारे यार के चाहत पूरा करता। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या लाए हो? वही जो अपराध के पार्टी में पी के ढीमला गई थी। पापा जी बोल रहे थे कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसा ही दारू दारू को काटता है। दो पैक मारिए सब हैंगओवर बाहरी। मुझे अपनी गोद में तो नहीं उठाया था ना? हम तो आपका खाली सेवा किए थे। कुछ और तो नहीं किया था ना?
हमारी हिम्मत इतनी बेशरम नहीं है मैडम जी। अगर हमारी आंखों में हवस का आग होता तो अब तक आपका इज्जत शर्मुसार हो गया होता। हम तो आपकी पूजा करते हैं हमेशा। जिस दिन हमारी प्रेम की पवित्रता आपको समझ में आएगी, देख लीजिएगा, आप हमारी फैन हो जाएंगे। मैडम जी, गुड मॉर्निंग। अरे बेहाने बेहाने बेवड़ा पार्टी शुरू हो गया। पागल हो गया? नहीं मैडम जी, पागल तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो रहे हैं आपको कहानी सुनाने के लिए। चलिए, पापा जी बुला रहे हैं आपको। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ फ्रेश होके। और हाँ सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना के लाओ विदाउट शुगर। नमस्ते मैडम, ये है फिल्म के प्रोड्यूसर और हम हैं निर्देशक अरविंद दुबे। काजल जी, एज ए प्रोड्यूसर मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ, इसलिए कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिल्म सोशल है बट सेक्स का जबरदस्त तड़का लगाया गया। जी जी। काजल मैडम, फिल्म का जो टाइटल है ना, वो है पलानी में जवानी रोता। गुड, नाइस टाइटल। मेरा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर का क्या कहे मैडम, समझ लीजिए कि आप भोजपुरी की सनी लियोनी है। गुड। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है? ड्रेस की कोई टेंशन ही नहीं है मैम, फिल्म के ज्यादातर सीन्स में आप कलरफुल पैंटी ब्रा और आर पार दिखने वाली सिफोन की साड़ी में है। ओके। कहानी कुछ ऐसा है मैडम कि जब जब आप परदेसी पिया के प्यार पाने के लिए तड़पती हैं, तब तब आपके जवानी का जो शोला है वो एकदम भड़कने लगता है और आप उस शोला को ठंडा करने के लिए बर्फ के सिली पर मुखौटे पलट जाती है और बर्फ को अपने जिस्म से रगड़ने लगती है। मैडम, आपकी सांस की गर्मी और बदन के तपिश से वो बर्फ पिघल कर एक 15 साल के बच्चे का रूप धारण कर लेता है। वो वही बच्चा है मैडम जो अपने फिल्म का हीरो है, जिसे विलन ने नंगा करके बर्फ के सिल्ली में जमा दिया था। कैमरा पुल बैक करके दिखाते हैं कि आप उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती हैं। अचानक बच्चे को होश आता है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। आप भूखे शेरनी की तरह उसे अपने बाहों में दबोच लेते हैं। आप आनंद की ओर धीरे 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 प्यार से बढ़ रही है। वो बच्चा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आप आगे की ओर बढ़ रही है, वो चिल्ला रहा है बचाओ। आप आनंद की ओर बढ़ रही है, वो बच्चा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। और आप आनंद फिल्म बना तरह सर की अपन नाई बहन कर अपना माइया बहन का हीरोइन रख मैडम जी, बस्ती रही है ऐसा ने लोगों के कारण है भोजपुरी सिनेमा बदनाम हो गया है। गंदा नाली का कीड़ा है गंदगी ही सोचेगा। आज हमको मत बोलिए आप, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट। Thank you.
के भेजला सरे। डायरेक्टर अरविंद जी अबे ढोला पिस्ता रावे के बड़बे बे बाट ली बॉस ये खोरा कुकुर अभी ले जिया तिबा देखी तो जरूर भोगी सुरोगल तो ड्रामा। अरे बहुत तेज घाम भेल मरदे तोहार कपाल बथे लागी आओ देखी बॉस चल ओढ़ ला दिलवाला बगैर दुल्हनिया के बैक टू पवेलियन आ गई ले मुबारक हो बॉस रउआ भिखारी बनला से बच गई नी हम तुर तकलीफ समझता नहीं यार लेकिन क्या करबे हालात के सामना तो करेंगे बड़ी चल ए हीरो एक मिनट हमरा के मालूम रहे कि काजल के नाम का मऊर तोरा माथे पे ना बनाए जो बाबू नहा खा के तैयार हो जाओ हम पंचायत बुलावे जाता नहीं और पूरा पंचायत के सामने तोरा के भिखारी बनाई ढेर खुशी मनावे के जरूरत नहीं के राजा तोरा हाथ में कटोरा जरूर पकड़े हन काहे कि काजल भौजी अपन शूटिंग खत्म करके सीधा ये गांव में ही आवे वाला बड़ी तो हाई वोल्टेज की झटका दे देलस कब आ रहा लिया काजल अगले महीना महीना साल ला तारीख बताओ तारीख 26 तारीख ना 27 28 29 30 31 2 3 4 5 पूरा महीना बोल दे अरे हम कहते तबानी हम तारीख बताओ तानी एक अगर एक तारीख तक कजलिया ना आए ना तो एकरा के घर से घसीट के ले आई और पूरा पंचायत के सामने भिखारी बनाई एक तारीख चला ढोलक तबला यस जिंदा ते झूठ कहे बोले कि काजल है वाला बड़ी ता का करती यार ये घुंगरू के आतंक से बचे के और ये कोनो उपाय ना सुझल भाई काश काश के समय से पहले काजल यहां चले थी क्या बात है बेबी ये तुम्हारे चेहरे पर मायूसी का मेकअप क्यों चढ़ा हुआ है कुछ नहीं यार बहुत अजीब सा फील हो रहा है हाँ? कुछ अच्छा नहीं लग रहा डोंट वरी बेबी ये तुम्हारे वीरानेपन की दवा ना तुम्हारे पास ही है मतलब वो तुम्हारा बॉय राजा किधर है वो अपने गांव चला गया गांव चला गया जहाँ तक मैंने राजा को समझा है वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के जाने वालों में से नहीं है हाँ जरूर तुमने ही उसे भगा दिया होगा है ना क्या करते यार वो घर आए प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे उसने हाथ उठा दिया अच्छा हाँ जरूर उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की होगी इसीलिए उसने ऐसा किया होगा मैंने राजा को आजमाया है मैंने देखा है उसका दीवानापन वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तुम्हारी खुशी के लिए वो अपने आप को भी बलि चढ़ा सकता है तुम बहुत किस्मत वाली हो क्योंकि तुम्हें राजा जैसा इंसान मिला है जब तक तुम्हारी जवानी है तब तक करियर है जिंदगी जीने के लिए प्यार की जरूरत होती है सच्चा प्यार बाकी तुम्हारी मर्जी मंगल भवन मंगल हारी दर 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 काकी हो हमने मंदिर से आ गए निशान आई राजा साहब अभी ले तूने करते बड़े माई लागत है कि मंदिर के प्रसादी कुछ ज्यादा ही चुरा के खा ले बा यही से एकरा दिमाग के स्पीकर झनझनाता Thank you.
अरे बेटा ये खून कैसन रे? लगता कि चीरा से जीभ कट गई हो माई। अच्छा जल्दी कुला करके आवा, हम खाना निकालते हैं। हाँ माई, हा? ठीक बा। हाँ, रजवा बाहर निकल। देख कितना इज्जत के साथ तोरा के बेइज्जत करे खातिर ले वैल बने। चल चौपाल में पंचायत लागल बा। चल आज हमहू देख ले तनी की मोहब्बत कौना तरे जलील होला। बजाओ मैं तो चिंता मत चल रही है। हे तुलसी मैया, हमार बेटा की इज्जत अब तोहरे हाथ में बा। देख ली गांववालन, रजवा शर्त हार चुकल बा। कजली अगरा मुंह पे थूक के चल गई। मुखिया जी अब भिखारी बनाई अगरा के और अपना कर कमलन से कटोरा थमाई। देखे घुंगरू बाबू, ई बात अलग बा कि रउआ ई गांव के बड़ा आदमी बानी, फिर और रउआ लोग हमरा के मुखिया बनौले बानी। अब पंचायत के फैसला बा, जरा सुन ली। हां मुखिया जी, अरे फैसला तो हो चुकल बा। अगर रउआ के शरम आओ था ना तो हमरा से कहीं हम एकरा हाथ में कटोरा थमाई। ओके बॉस। आज से तोर भिखारी योग शुरू हो गई बा। हाथ फैलाओ। राजा राला और राजा ही रही। इला घुंगरू, ये तो रात में कटोरा जान तरह वर्ल्ड कप के ट्रॉफी खानी लगा था। ला आज से प्रैक्टिस शुरू कर दा, भीख मांगे क्या। एक मिनट। हाँ बाबू देखा, उन्हें हम अपन हाथ से कर देता नहीं। धंधा अच्छा हो। दे दे राम दिला दे राम बोलते घूमो सुबह। सुना घुंगरू बाबू, एक महीना तक जितना कमेबा ना वही में गुजारा करे के पड़ी, और ज्यादा चलाकी कैला ना तो तकलीफ बढ़ जाई। थैंक यू, गजब के एक्टिंग कर ले बनी मैडम जी। एकदम सही समय पे एंट्री मार के आज हमारी इज्जत बचा लेने, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। एक्टिंग? इसको क्या हो गया?
काकी, ए काकी, हाँ? काकी, का भेल खेदुआ? पासा पलट गई काकी, पासा पलट गई, राजा भैया बच गई ले, और वो घुंघरू बाला भिखारी बन गए भिखारी। अरे वो कैसे रे? वो राहुल होके वाले हीरोइन बहु बिया ना, वेन वक्त पे आ गई काकी। सच में? हाँ, रेडियो भैया उनके लेके आता रे। ये घर है मैडम जी, आइए। हाँ। काकी, खुश रहा खुश रहा बेटा। अपना घर के लक्ष्मी मान के तोहर आरती उतारतानी। एक उपकार करिहा, हमरा बेटा के कब्बो छोड़ के मत जइहा। मरते दम तक साथ निभाऊंगी माँ जी, वादा करती हूँ। चला पहले बायां पांव बढ़ावा। रुक जा, रुक जा। माई, ये तो आर पतो ना है कि गृह प्रवेश करा उतारू। ये हीरोइन है, हीरोइन। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ सच में माँ जी की बहू बनने आई हूँ। ये संभव बा, जितना जल्दी हो सके मुंबई लौट जा। रेडियो जहाँ बोला तरीके के छोड़ दे। का बोला था भाई? माँ जी, आपका बेटा तो सच में बहुत भाव खाने लगा है। बेटा, लगा था कि तोरा कोनो बात से उनका चोट लागल बा। तब तो लगता है मरहम भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। जवन हीरोइन भरल पंचायत में रजवा के थप्पड़ मरलस, वो चुम्मा कैसे दे दलस? इस चमत्कार कैसे भई? बॉस, प्यार में बहुत पावर होला। जब दिल के झटका प्लस माइनस में सटेला तो मिले से मजबूर हो जाला। जे मेहरारू के देह में उपाट देला दर्द, उहे होला असली भोजपुरिया मरद। और रजवा तक खाटी मरद बा। और हम मौगा है। बॉस, भीख मांगल जरूरी बा, मौगा ना। काल से भीख मांगे के प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करी तही सर लगो ले रहे, तही सर लगो ले रहे ना। अच्छा खासा करोड़पति घुंघरू पंडित के, अरे भिखारी बना डाला सर, भीख मंगा बना डाला। क्या मालूम है राउर किस्मत इतना फटी चढ़ बा। किस्मत तुम्हार फटी चढ़ बाज। इका बा राउर ड्रेस मतलब? अरे तो कहीं ये पहन के भीख मांगो। अरे कौना घड़ी में तो से बिया कहीं। अरे ये दोनों कम रह रहे जब तू हमार दुश्मन। ये यहाँ के राजा साहब के हवेले हुए। अच्छा। बहुत बहुत आदमी काम करत रहे पहले। हाँ। अब तो सब राजपाट खत्म हो गई, तब यहाँ कोई आदमी नहीं थी, बस यहाँ सब लोग घूमे खातिर आवे ले। हाँ। रेडियो है? अरे अब ये कहाँ से आ गई? रुआ राजा खातिर आ गई नी, एकर मतलब ऊपर वाला हमर दुआ कबूल कर लेलन। सच में दीवानापन जब हद से गुजरेला तो मोहब्बत के अपन गुलाम बना लेला। कौन है ये? निशा है। जितना राजा आपसे प्यार करे ले उतने ही राजा से प्यार करेली। पगली है, राजा के प्यार में पगली। चलिए उस्ताद, शर्माई मत। बॉस, अरे चलिए उस्ताद। बॉस, अरे मत मेरी बॉस। अपनी सोच के खास बात रोज के साइड में रख दी और धंधा स्टार्ट करी बॉस। अरे तो पागल बड़े का ला जाओ तो भिखारी बने कैसे? अरे कोनो बात ना उस्ताद, धीरे धीरे आदत पड़ जाए। अभी कटोरा के जल्दी से आगे बढ़ाई और कोनो सुपर हिट भीख मंगा गीत गाई। बहुत याद आ गई। दे दे राम दिला दे राम दे वाला। ये बहुत पुराना गाना है। अब हम मोहम्मद रफी वाला। हाँ गाई। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। कैसन गौली है? बस वाह वाह। चला फिर तो आ, तू ही पकड़ कटोरा, तू ही पकड़। चला चला जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। ये
हाँ। मुखिया जी सजा तोहरा के सुनौले बाड़े तो भीख हमनी के काहे मांगी ये पकड़ी कटोरा पकड़ी ना कटोरा पकड़ी ना चली जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे आगे से बुलो ऐसे भाई भीख ना मिली भीख दे बुलो अबे आनर बाड़े का मांगे के भी ससुर रंगदारी दिखा रहल बाड़ा ए बॉस नॉर्मल अंदाज में चली जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे कौनो भिखिया का आदत देतो मरे चिंता नट बॉस अक्सर भिखारियन के साथ ऐसी घटना घटेला अरे काहे बात के भिखारी हमके तो ऐसा लगा था कि आज दिन भर भूखे रहे के पड़ी बॉस भिखारी जैसे लगतो नहीं के बाड़न अबे तो बनावा ना भिखारी जैसन भिखारी कैसा रहे डोंट मेरी बॉस अब लगा था नहीं ओरिजिनल भिखारी चली गाना शुरू करी जाने वालो जरा भगवान के नाम पे दे दो मुबारक हो बॉस मुबारक हो भगवान तोहर भला करे बॉस अब तो भाभी भी भिखारी समझ ले ली मुबारक हो अच्छा कर ये कहाँ जाता रे और ये हार कब खरीद ले हा ई दो कट्ठा बेच देनी दो कट्ठा बेच दे ड्राइवर गाड़ी चलावा अरे 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 कहाँ जाता रे अरे रुक रुक माँ जी आप इतना परेशान क्यों हो रही है वो आ जाएंगे आप कुछ खा लीजिए ना पहले कारे तोरे समय के कुछ अता पता बाकी ना माई चौरा में लील गाय आयल बड़ी सा ओके चलते हम चल गए यहाँ खेत में हमार बहुत दिन भर से बिना खैले पीले तो राग और रतिया तू एकरा बारे में काहे नहीं खा सोचत आपके लिए खाना लाओ माई इनसे बोल दे सूरज निकले से पहले यहाँ से चल जी खुशी किस्मत बनल चाहता हमार बेटा ओके ठोकर मारता अभी तक ले तो गयलू ना हाँ? जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ अगर उसी को छोड़ दूंगी तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी अगर तू यहाँ से ना जेबू ना तो हमार जान निकल जाए इका तो बगदून कहले बाड़े रे पगला अरे तोहरा खातिर एक कितना बड़न त्याग करके आयल बाड़ी तू ये बात के बूझत काहे नहीं खास ये तो हम नहीं की चाहत माई कि हमरा खातिर कोनो प्रकार के त्याग करस कैसे कि ये वो सुपरस्टार हीरोइन है बेहतरीन कलाकार है और कलाकार के खुशी प्रसिद्धि से मिलेला और हम इनकर खुशी छीन ले की चाहत स्वार्थी बनल लेके चाहत माई जहाँ प्यार होला ना बेटा वहाँ स्वार्थ के कोनो निशान तक ना होला माई हमर प्यार ना भरम बाड़ी आखिर तू कहल का चाहता रे माई हम निशा से प्यार करी ले और वह तो हर पतो बनी है हाँ हम तो समझत रानी तो हमके भुला गए लोग पर ऐसा नहीं खे तहरा मन में कहीं ना कहीं हम जरूर बानी बताओ काहे बुले ले बड़ा ये तोहफा कबूल करा एमे हमर दस्तानी मोहब्बत बा पढ़ लिया और हाँ उम्मीद बा कि तू हमके जरूर अपना लेबू रह चेरकुट रह काम उसका नहीं होला तारी तनी आवाज छे मार दूर मर दे
भूख के मारे पेट में चूहा कूदता और तोहरा काम सूझता। अरे लेकर जान मर बका यार। अरे अभी बर्दाश्त के गोली खो, तब तक ले माई खाना लेके आ जाए। हट माई ना, भौजाई लेके आवा ताड़ी, उन्हें देखा। प्रेम से बोलो भैया भौजी की जय। देखा था हम राउर मेहरारू जैसे लागत बाड़ी ना। मैडम जी, लागे में और होखे में बड़ा अंतर होला। तो कहे ना ये अंतर के समांतर कर देते हैं। काजल, काजल बेटा। हाँ? कोनो सपना देखत रहलू का? हाँ माँ जी, आज समझ में आया, जब सच्चा प्यार हो जाता है तो मन सपने से जाने लगता है। का भेल बेटा? कुछ न माई, तू ले जा अंदर, हम ना जाए। का है? माई, हम तो तुहार खाली मन रखे काती आगे नहीं, ना तो हमारा मन ना रला। तू तो बोलत रहला पहले कि काजल के साथ है, तू अब भगवान के दर्शन करे, अब तो काजल में साथ में बाड़ी ना बेटा। माई, गलत फहमी में गलती हो गई। ज्यादा जिद मत कर, चल चल अंदर। रहने दीजिए माँ जी, पूजा पाठ में किसी से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। राजा, हमार पूजा तो हो गई, हमार भगवान मंदिर के बाहरे बैठा गई ले। निशा, एगो आम इंसान के भगवान मत बनाओ, न तो ये दुनिया तो के पागल गई। पागल तो हम हो गई नहीं तहरा प्यार में। आई लव यू राजा। ए बबुनिया, अरे जल्दी से कुछ खा के ले आओ, पेट में भूचाल आवता। ए मुनिया, ले आओ ले आओ। बतानी बाबूजी। हाँ ले आओ ले आओ, अरे ले आओ ना। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते नमस्ते। कहो राजा के भाई, हीरोइन पतो पाके पूरा गांव जवार में बड़ा फेमस हो गए बाड़ू। अरे शादी के लड्डू कब खियेबू? लड्डू में मिठास शक्कर से आवेला मुखिया जी, बाकी राउर बेटी ओ में नमक मिर्चा डाल रहल बाड़ी। बेटी ई का कहतड़ी? युग युग से लोग प्यार के दुश्मन रहल बा बाबूजी, ओही में से ही हमार सासू मां बाड़ी। सुन लेनी, कितना रोआब से ई रिश्ता जोड़ रहल बाड़ी। अरे ई हमार बेटा के मती मार लेले बाड़ी। तनी अपनी बेटी के समझाई, हमरा बेटा के प्यार इतना पवित्र बा कि काजल जैसन हस्ती अपन सब कुछ छोड़ के हमार बहू बने खातिर आ गईली, ओकरा बिना ही मर जाई मुखिया जी। और हमार साथ बिना राउर बेटा जी ना पाई। ई तो हर भ्रम बा निशा, हमरा बेटा की जिंदगी के सहारा हमार काजल बाड़ी। हम तो हर आगे हाथ जोड़ तनी निशा, हमरा राजा के भुला द तू। माँ जी रहने दीजिए, मेरे लिए आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर राजा मेरे नसीब में होगा तो हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहाँ से। चलिए बॉस। काम में आई थी के भीख मंगला से अच्छा बात कि रोज मंगरुआ के मुर्गी फार्म हाउस से एक एक मुर्गा चरा के खाइल जाए। मेरे होशियारी मत मारा है? पता चल गया क्यों के तो ससुर कपारे पे अंडा फोड़ फोड़ के मुआ दिए सन। डोंट वेरी बॉस, तीन तीकड़ महाबीकड़। अरे जब केहू से बतौले न जाई तो कैसे पता चली? अबे अब तोरा पे कवन भी बता गई। मंगरुआ के पता बा कि मुर्गा के चोरौले बा। कैसे? अरे मुर्गवा चुरावे बदे हम ओही से खांची मंगले रहनी ना। अरे अच्छा जी पप्पा भाई। हां
मुखिया जी, ये सबन हमार मुर्गा के नोच चोत के पका के खाए जाता हूँ सन, यानी के छोड़ी मत। चिंता मत कर मंगरू, सजा मिली, ये मुर्गी चोर के सजा मिली। ए घुंगरू, हमार बात कान खोल के सुन ला, तोहरा के एक महीना और भीख मांगे के पड़ी। नहीं, गलत बात है, ना इंसाफी बा मुखिया जी, ना इंसाफी बा। यह है इंसाफ है। ए मंगरू, मुर्गा का उठाओ। तोहार मुर्गा के अपन हाथ से अंतिम संस्कार कर, उठा दे। अरे चल, थोड़ी सा तो दे दी। ए मारली, ए मगरुआ, ए मगरुआ। अरे एकदम निर्दयी बारे। उस्ताद, मुखियावा ताईसन सजा सुनावता जैसे लगा था कि खैरात बांटा था। एक महीना और भीख मांगा और कुल मुर्गवा भी अकेले खा जाए मुखियावा। सब सुन तो चलते पहले बगला एक कार है। अरे जकरा घर से मुर्गी चुरौला वही से खांची मांगे चल गए। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। रउआ पे हो रहा अत्याचार के असली कारण रजवा। हे बॉस, रजवा के कौनो न कौनो बंदोबस्त करे के पड़ी। अब यह सोचिए साहब, सोच में सोच लेनी उस्ताद। हमारा पास एक ऐसा लड़ाकू भी मनवा जो रजवा के हड्डी के सुरमा बना के राउर आंख में लगा दी। ओकर नाम बा ब्रूसली। ब्रूसली, ब्रूसली। अरे धनिया पत्ती तो बुला गई नहीं यार। कौनो बात नहीं यार, फिर बाद में ले लिया ही ना। अरे तो फिर आवे के पड़ी यार। अरे दुनिया सीधा चले ना, ये सब का है उल्टा चलता। ये तबला कहाँ भर है तुम्हारा आइटम? देख ना समनवा, आ गई हमार ब्रूसली। रे पैदावार तो इंडियन लगत, लेके रहन सहन इंडियन नहीं खे बुझात। लागत चाउमीन चाप के खा ले बा। इसे चाइनीज मिर्गी उपटल बा कंकाल तंत्र के। नो कंकाल तंत्र, हां मैं ब्रूसली। ब्रूसली, ब्रूसली। चिंग चांग चाय चाय। आबीले सुन भोए भोए। भोए भोए। अभी देख हमार कहाँ कहाँ घुसता। निकल चला। जब एगो हिंदुस्तानी के बर्दाश्त होत नहीं खे पाएना तो चाइना कह लेता इंडिया के बैना। अरे कैसे घुसा रे? घुस बैठी यहाँ कैसे घुसा? जब घुसिया गया है तो चल तोरा कैसा जगह घुसाओ तनिक, फिर दोबारा बहरी ना आई बे। आओ वाह, तू तो ब्रूसली के चुसली बना दे। अरे यार, हम रही समझ में नहीं क्या कि हमार दुश्मन चाइना में। पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ माजी, राजा का कुछ पता चला? ना बेटा, हर जगह खोज के आ गए, नहीं राजा के कहीं पता नहीं चला। चारों धाम तो माही के चरण में बा, दुनिया भ्रमण तो आदमी के भरम बा। ऐसा उच्च विचार रखे वाला राजा भैया ये समय निशा के कोरा में बैठ के ताड़ी पिया था। कहाँ बा? वही मुखिया जी के घर में। मुखिया जी तो पटना गई बाड़ा, पूरा घर खाली है बा, वही में खेलत कूदत बा लोग। आज होकर सारा खुमारी हम निकाल दे। चल हाँ, रुके चल। माजी, ये मामला दीवानापन का है और इस दिल लगी से मेरा दिल ही निपटेगा। रेडियो फॉलो मी। हाँ।
एकदम ओरिजिनल ताड़ी बुझाता मिजाज टन टन आए लगल आँख सहरी आए लगल हमरो मंडसी आए लगल राजा ये क्या हो रहा है ये क्या डर ले हम की तो तहरा अलावा कुछ लौकत नहीं के डर ले अच्छा अभी बता दे समाचार समाप्त हुए अब देखिए रंगारंग प्रसारण ऐसा ना एक बार गई नी जी ठीक माना गोर लगाता नी एकाकी बहू कुछ छुट्टा पैसा होके तो निकाल के भिखारी के दे दा वाह वाह आईनी ना गईनी फलाना वो कहनी तोहार बेटा रजवा निशा के साथन लहर लूटता और इनके बहू कहता रू ये बोस हाँ। जैसे बिना पानी के मछली तड़पे ले वैसे बिना मेकअप की हीरोइनिया तड़पती है जितना दिल तड़पता है मोहब्बत उतनी ही गहरी होती है मोहब्बत इतना गहरी मत करिए कि मौत से मोहब्बत हो जाए अरे डार्लिंग रजवा में ऐसा का रखा लो अरे हमार हाथ थाम लो बाप दादा का छोड़ल करोड़ों का जायदाद बा दिन में होली और रात में दिवाली मना दे जो दूसरों की कमाई पे जीता है वो मर्द नहीं मौगा होता है चला बहू चलिए माँ जी बॉस इतर हुआ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाला इल्जाम लगा गया अपना साथी बिस्तर पे सुता के बेइज्जती का पतला ले एको मौका बाय बॉस का पूरा जवा बथानी में सुते जाला तब तक हो पाई जाए सरवा हाँ हमारे बोस शिकार सामने बा परम बाबा के नाम लेके हमला बोल दी ठीक बा धोनी हाँ। यही रुका ओके बोस बोस बेस्ट ऑफ लक बोस यही बोस अरे हमार हाथ थामला है बाप दादा का छोड़ो करोड़ों को जायदाद बा दिन में होली और रात में दिवाली मना दे जो दूसरों की कमाई पे जीता है वो मर्द नहीं मौगा होता है बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है फौरन उन्हें ब्लड चलाना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब आपको जितना ब्लड चाहिए उतना दे दीजिए पैसे की चिंता मत करिए बात पैसे की नहीं है मैडम एबी नेगेटिव ग्रुप का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है एबी नेगेटिव डॉक्टर साहब एबी नेगेटिव हमारा ब्लड बा हमारा खून के कतरा कतरा खींच ली लेकिन हमारे माई के बचा ली डॉक्टर साहब आइए राजा तुमने आने में बहुत देर कर दी है पहले आते तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद भी कर पाती मतलब मतलब ये है राजा कि सारी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला है कि आपको ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर ब्लड की व्यवस्था कर लीजिए डॉक्टर साहब लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए आपका दिमाग
ठिकाने है कि नहीं, माँ की हालत सीरियस है। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब व्यवस्था करिए ना ब्लड का। मुश्किल है भाई, इतनी रात हो चुकी है, ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप यहाँ इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ये देहात है। तो आप मुझे पता बता दीजिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। आप ब्लड देंगे कि नहीं? नहीं दूंगा ब्लड। अभी तो माँ को सासू बोलती है ना, आप काहे नहीं दे देती है ब्लड? वाह, क्या खूब निभा रहे हो बेटे होने का फर्ज। तुम्हारे जैसे बेटे को पैदा करने से तो अच्छा है कि माँ अपनी कोख में ही उसे मार डाले। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। इन्होंने तो अपना बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी, क्योंकि मैंने भी उनको अपनी माँ माना है। चलिए आइए। ससुरा का समय आ गई बा, मुर्गा मछली कब दर्शने नहीं के होत, खाली लिट्टी चोखा ठूसे के पड़ता है। अरे मुटका है, तेजरला पे नमक आए छिड़का तारे रे, अगर हमार खोपड़ी सटा गेल ना मुटकू तो हर खोपड़िया फोड़ दे। बैठ के ए बॉस, अपने दिमाग में ना टेंशन के कुटा ठोक ली, काहे कि रजवा के माई अस्पताल से डिस्चार्ज होके आ गई बिया। अरे बाप रे बाप, बॉस अंडरग्राउंड हो जाई, कहीं रजवा के माई पहचान लीस तो मुखिया ना पूरे गांव के लैट्रिन साफ करे के सजा सुनाई। अब इतना बड़ा खोपड़ा लेके घूमत आ रे, तनी अकल लगाओ पगले। अगर रजवा का माई हमरी के देख ले रहत ना, अपने सारे गांव में घूम के हल्ला कर देते। चोखा बनाओ। राइट बॉस राइट, चोखा बनाओ नहीं तो राम कर दे। माई और दवा खा ले, माई माई और ना दवा खा ले माई। ले जाके दवाई फेंक दे, हमरा के जहर लाके दे दे। वैसे भी काजल ना रहती ना, तब तक तो तू हमार चिता जला देले रहते। शर्म आवता हो अपना कोख पर। ऐसे मत बोल माई, ऐसे मत बोल, लेकिन दवा खा, कावे तो अपन जान तक दे दे। फालतू बकवास मत करो। जिस आदमी ने अपनी माँ की जान बचाने से इनकार कर दिया, वो क्या अपनी जान देगा? माँ को धोखा मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक बन जाएगी। अच्छा माँ जी, कोई गलती हुई तो माफ कर देना। कहाँ जाता रू काजल? हमेशा खातिर मुंबई। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? जिस राजा से मैंने प्यार किया था वो शायद मर चुका है। अच्छा माजी, राजा रोक ले काजल के। उनके अपना दुनिया में जाए दे माई, ले दे दवा खा। तू ही दवाई खा। रुका काजल, 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 रुका बेटी, रुका बेटी। राजा
डॉक्टर, राजा को क्या हुआ है? आप लोगों को नहीं पता क्या? लगता है राजा आप लोगों की खुशियों में इस कदर खो गया कि अपनी बीमारी के बारे में बताना ही भूल गया। कैसन बीमारी डॉक्टर साहिबा? राजा को ब्लड कैंसर हुआ है। ब्लड कैंसर? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। तू अपन दिल छोटा मत करा बेटा, हमारा राजा के कुछ नहीं के भाई, वो डॉक्टर झूठ बोल दिया। डॉक्टर साहिबा एकदम सच कहता है काकी। हाँ, राजा के कैंसर के बीमारी बाप। हाँ काकी, और ये बात हमारा साथे साथ निशा और मुखिया जी भी जानता है। हाँ काकी, जेकर खून में कैंसर के खून लग गए होके, वो अपन दुश्मन के भी खून ना दे सकेला। रउआ तो बता रही है, राजा रउआ के खून कैसे दे सकेलन? कौनो बात अपन बेटी की बेइज्जती ना बर्दाश्त कर सकेला। बाकी बाकी राजा के खुशी के खातिर हम सब कहेंगे। हम तो राजा के उहे दिन भुला गई नी जिये तू ही आ गई लू। आज भी राजा के मन में तोहरा खातिर प्यार भरल बा, लेकिन जे खुद मौत के मुंह में खड़ा बा, वो कैसे केहू के खुशी दे सकेला? हम तो नाटक करत रहनी प्यार के, ताकि तुहार दिल टूट जाए, ताकि तू यहाँ से राजा से नाता तोड़ के चल जा। मेरा दिल समय का शीशा नहीं है जिसे तकलीफें तोड़ देगी। मेरा दिल मोहब्बत की वो चट्टान है जिसे मौत भी टकराएगी तो अपना दम तोड़ देगी। बॉस, ये बॉस, बॉस उठी ना बॉस। ए भिखारी उठना। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा। जिंदगी भर भिखी है मत बका। अरे हमके भिखारी बना के तो नहीं ऐस करता। अरे किसी आज का है बड़ा घेड़ा। अरे हमनी के खुशखबरी के बकिया उधर तेरे निशान। कैसन खुशखबरी बा? अरे रजवा के ब्लड कैंसर हो गई बा, वो हॉस्पिटल में भर्ती बा। ब्लड कैंसर हो गई बा? इतना बड़ खुशखबरी और खाली हंस रहा था रसन। मिठाई उठाई ना ले गईला? जो बे 5 किलो लड्डू, 5 किलो पेड़ा और गुलाब जामुन, 5 किलो बर्फी, 5 किलो बालू शाही। मतलब बस 5 महीना ले भीख मंगबा तब वो 5 किलो के दाम न जुरी। चल कौनो बात ना बाबू, ऐसन खुशखबरी सुनौला हसन। अब तक गुलाब जामुन ना, अब तक कजरी के गाल का गुलगुल्ला और होठ का रसगुल्ला खाए। भले ही 5 कट्ठा बिका जाए था। बॉस गाहक फिट करी का। माई होके अपना बेटा के दुख दर्द ना समझ सकनी, बहुत अफसोस बा बेटा। ए माई अपना बेटा खाते कसाई कैसे हो गई? हमरा के माफ कर दे बेटा, अनजाने में बहुत भला बुरा कह दे दी तो रखे हम। जिसके लिए सब छूटा वो रूठा तो रब रूठा। अगर ऊपर वाले ने हमें साथ जीने का मौका नहीं दिया तो मौत के बाद हमारा मिलन जरूर होगा। मौत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। मैं वादा करती हूँ जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी,
काजल जी, राजा की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। 2 दिन के अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जितनी जल्दी आप पैसे जमा कर देंगी, राजा का इलाज उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। याद रखिए, इलाज में जितनी देरी होगी, जान बचाना उतना ही मुश्किल होगा। इतना पैसा के कहां से इंतजाम हुए बेटा? माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हेलो। हेलो चाचा जी, काजल बोलो छु। मी नागेश भाव बोलतो रे बाबा। चाचा जी है? अरे बाबा, वो तो मुझको बंगला बेच के कब से यहाँ से फूर हो चुका है। उनका कोई दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा तो दीजिए ना प्लीज। नको रे बाबा। सर आपका फोन। किसका फोन? हेलो, कौन? सर काजल राघवानी बात कर रही हूँ। ओह, क्या बात है काजल जी? मैंने सुना है कि प्यार मोहब्बत में लोग धन दौलत बर्बाद करते हैं, आपने तो अपना पूरा करियर ही बर्बाद कर लिया। सर, प्यार में बर्बाद वही होते हैं जो अपनी दुनिया को आबाद करने का हौसला रखते हैं। ओह, बहुत खूब। सर, मुझे अर्जेंट 20 लाख रुपए चाहिए, इसके बदले में आपकी 10 फिल्म एज अ लीड करने को तैयार हूँ। एज अ हीरोइन? अभी भी आप हीरोइन का ख्वाब देख रहे हैं? अब तो आपको भाभी का भी रोल मिल जाए तो शुक्र मनाइए। हाँ, तो भाभी से याद आया कि मेरे नेक्स्ट होने वाले प्रोजेक्ट में एक सेक्सी भाभी का करेक्टर है, अगर तुम उसे करोगी तो मैं 10,000 रुपए दूंगा। हेलो। हेलो मोहिनी, काजल बात कर रही हूँ। ओ माय डार्लिंग, माय बेबी, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितना फोन किया लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। वो मेरा नंबर चेंज हो गया है। अच्छा, तुमने तो बस नंबर ही चेंज किया है लेकिन मेरा तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है यार। मैंने जिसको अपना बनाने का फैसला किया था वो शातिर वो लुच्चा मुझे छोड़ के रफू चक्कर हो गया। मुझे उसने एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया। बस देसी दारू और बीड़ी से काम चला रही हूँ यार। तुम मेरी मदद करो ना प्लीज बेबी। टेल मी बेबी। का भेल बेटा? माँ जी, विपत्ति पड़ने पर जैसे राजा हरिश्चंद्र के हाथ से आग में पकाई हुई मछली भाग गई थी, उसी तरह आज मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे पास से 5 लाख है, 15 लाख का और इंतजाम करना पड़ेगा। तू चिंता मत करा बेटा, हम कुछ उपाय लगा बतानी। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। नमस्ते लाला जी। बैठा बैठा राजा के माई, सुन ली है राजा के ब्लड कैंसर के बीमारी हो गई बा? ओफ 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 ओफ, भगवान कबो कबो एकदम अति कर देवेला। इतना भारी बीमारी गरीब आदमी का लगा दिला। होने के केहू न टाल सकेला लाला जी, ई हमरा जमीन जायदाद के कुछ कागज हा, एकरा के गिरवी रख ली। हमरा के 15 लाख रुपया दे दी लाला जी। 15 लाख? 15 लाख का करबू? उई अमराज से हमरा बेटा के परान खरीदे के बा लाला जी। देखा, हम बहुत व्यवहार से धंधा करी ले, लेकिन व्यवहार के कबो धंधा में ना घुसे देवेली। ये तो हर जमीन के कीमत कुल घींच घाच के 8 लाख रुपया भाई, और हम 8 लाख से 1 रुपया अधिक ना दे पाए। ऐसे मत बोली लाला जी, हमारे इकलौता बेटा बा, हमारे जिए के सहारा, हम जिंदगी भर राव और गुलामी करब। देखा,
गुलामी करे के उम्र तोहर खत्म हो गई। बाकी 8 लाख रुपया तोहर बा लेवे के होके तो ले ला, नहीं तो अपने रास्ते। पैसा के इंतजाम हो गई भौजी, पैसा के इंतजाम हो गई। बोलत काहे नहीं को, पैसा के इंतजाम हो गई। अब राजा बच जाए, हमार यार बच जाए, हमार यार बच जाए, हमार यार बच जाए। डॉक्टर, 13 लाख का इंतजाम हो गया है, बाकी का 7 लाख मैं बहुत जल्दी जमा कर दूंगी। सॉरी मैडम, जब तक आप पूरे पैसे जमा नहीं कर देती हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। रुक जाइए डॉक्टर साहब, कुछ तो दया करी। सॉरी मैम, आई एम हेल्पलेस, मेरे भी ऊपर लोग हैं। सॉरी मैम, प्लीज डॉक्टर। काकी, मुर्दा का कफन बेच के खाए वाला के तोहार दर्द ना बुझाई। चिता पे लेटल इंसान के बचावल बहुत मुश्किल काम बा। हमार फूटल भाग के तू यहाँ और फोड़े आ गईला। गला समझता रू। हम तोरा बेटा के मरे से बचावे आइल बानी। कितना पैसा कम पड़ा था? 7 लाख। है चला। यस बॉस। काकी के साथ जा लोगन, अजा के 7 लाख रुपया जमा करा दा। ओके बॉस। लोग ठीक कहे ले, दुश्मन भी भगवान के रूप में आ जाले। चल बेटी। काकी, पतुहिया को छोड़ जाएगी। ए, तू लोग जा रहे काकी के साथ? ओके बॉस। इनसे कुछ जरूरी बात करेंगे। तू जा। कांग्रेचुलेशन बॉस। जा तू सतवा जा, खड़ा का बड़ा मुंह लेके मरतवा। मौगा लेन मुंह लटका के निकला, जाओ बचाओ अपने दोस्त का जान। देर सोचा मत ए बबनी, खाली तोरा के भोगे खातिर 7 लाख रुपया स्वाहा करे जा रहल बानी। मतलब? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूं खुंगरू। और ये खुंगरू खाली एक रात अपना बिस्तर पे तोरा साथे बदल चाहता। खुंगरू, खुंगरू, कूल बेबी कूल, चिल्लाइए नहीं, मुस्कुराइए। काहे कि अगर हमको गुस्सा आ गया और हम डॉक्टरवा से 7 लाख रुपया वापस ले लिए ना, तो रजवा का लाश अपना कोरा में रख के सती होना पड़ेगा। इतना परेशान काहे हो रही है? अरे एक रात का बात है और एक बार का बात है, तनी हमरो ललसा पुरा दीजिए ना, है? उसके बाद कौन रोका है? बनाइए रजवा के साथ जाके फिल्म, आराम से गाना गाइए, है? प्रेम विवाह। शायद तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर ना आज तू जिस्म का सौदा नहीं करता, जानवर है तू। अगर इंसान होता तो आज इस मिट्टी की पुतली को खाने के लिए इतना नहीं मरता। हाँ ठीक है, हम जानवर ही सही, लेकिन सनम तुम्हारे आशिक है हम, है? अब सोच लो कि तुमको हमारी चाहत की चिता जलानी है या अपने आशिक की, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है नहीं। डिसीजन तो काजल मैडम आपको फटाफट लेना होगा। अगर मेरा जिस्म बिकने के लिए ही बना है तो मैं इसे तुम्हें जरूर बेचूंगी। अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे, ले जाएंगे। राजा, मेरी आखिरी इच्छा ये थी कि आपकी आंखों में आंसू कभी ना देखूं, लेकिन कमबख्त जिंदगी ही बेवफा निकली, आखिर रुला ही दिया मेरी मोहब्बत को। नहीं राजा, आपको कुछ नहीं होगा, यमराज के हलक से भी मैं आपकी प्राण छीन के ले आऊंगी।
लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तोरा कुछ न होए हमार लाल, कुछ न होए। चलो फास्ट। राजा, राजा। आज कुछ खोने की तमन्ना है, आज कुछ पाने का इरादा है, हो अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं, हो अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं, हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल ये चला आहा। काजल कहाँ गईल बाड़ी? अरे बताओ ना काजल कहाँ गईल बाड़ी? बेटा बताओ ना, अरे काजल कहाँ गईली? राजा भैया के इलाज के कीमत चुका दी, अपन इज्जत बेचे। अरे मनो एकदम गनगनाए लगाता। अरे ये रोमांस के जतरा में खतरा का कुकुर कहां से भौंके लागल? भौजी, राजा भैया आखिरी बार तोरा से मिलन चाहता रे, तू जल्दी हॉस्पिटल आ जा। हाँ रुक, अरे पैसा देने वाली कहाँ जाती रे? ऐसे ना छोड़ो। रुक। मोहब्बत को बदनाम नहीं करना है, न तेरे बिना जीना है न तेरे बिना मरना है। यू चीटर, जब तुम ठीक हो तो बाहर सब मुंह लटका के क्यों खड़े? वो लोग तोरा के सरप्राइज देल चाहत होई। अगर ऐसी बात है तो मैं भी सबको सरप्राइज दूंगी। तू मेरी मांग। अनुपम पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकं यथा लब्धेन संतुष्टां। ये सोचने का नहीं, हमारे मिलन का वक्त है। दुखे धीरा सुखिरिष्टां सुख दुख विभागिनी नामं परतरं गच्छे पंचमे मैडम। आप दो मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे इंजेक्शन लगाना है। मैडम प्लीज दो मिनट के लिए बाहर जाइए। मैडम, मैडम,
डॉक्टर डॉक्टर मैडम 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 पॉइजन ओह माय गॉड